हेलो एवरीवन वेलकम टू गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ आई एम योर एजुकेटर नेहा तनेजा विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी 2021 होपफुली यू पीपल आर फाइन सेफ एंड सिक्योर एट योर होम एंड सभी ने बहुत सारी नई उम्मीदों और सपनों के साथ ये नया साल शुरू किया है एंड डेफिनेटली बाय गॉड ग्रेस आप सभी उसमें बहुत 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 सक्सेसफुल रहे एक्चुअली फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज आई वाज थिंकिंग टू मेक अ वीडियो टू शेयर सम ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद यू गाइस बट ड्यू टू हेक्टिक स्केड्यूल मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई बट डेफिनेटली आई विल डू दैट नाउ फाइव सिक्स डेज बैक आई वॉज लाइक सिटिंग एंड जस्ट राइटिंग डाउन कि पूरा साल ख़त्म होने को है 2020 ख़त्म होने को है जो कि डेफिनेटली हम सब के लिए बहुत मुश्किल भी था काफ़ी सिनारियोज में अगर हम देखें तो बट क्या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट रहा जो एज एन हम समप करें जो कि हमने इस साल से सीखा या इस साल ने हमें दिया टाइम फ्लाइज वक्त बहुत जल्दी गुजरता है बट अपने साथ बहुत सारी चीज़ें वो सिखा कर जाता है तो आई वॉज़ लाइक समिंग अप ऑल सम कर रही थी मैं सारी चीज़ों का आई वॉज़ लाइक राइटिंग डाउन कि पूरा मुझे इस साल में क्या मैंने सीखा क्या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ रही जो मैंने सीखी एंड अगर मुझे अप्लाई करना पड़े या मैं उन बातों को सोचूं तो किस तरीके से फ्यूचर पर भी वो चीज़ें बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन मुझे देती हैं एंड आई वॉज लाइक अमेज्ड टू सी द रिजल्ट एंड मतलब बहुत बहुत सादा कुछ मुझे एकदम से रिकॉल हुआ सोचा समझा एंड फाइनली डिसाइड किया कि डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग ऑल द ऑल दो थिंग्स विद यू गाइज ऑल्सो तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पांच लेसन्स या पांच आप कह लीजिए एक कुछ भी एनी थिंग एनी थिंग एक्चुअली आई विल कॉल दम एज एन लेसन ओनली क्या रहे मेरी लाइफ के 2020 ट्वेंटी ईयर में आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या कुछ इम्पॉर्टेंट नया रहा जो आप शेयर करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने एनालाइज uh, किया या फिर आप कह सकते हैं जो लगा मुझे नेवर टेक things फॉर ग्रांटेड Usually क्या होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चाहे फैमिली हो चाहे जॉब हो या फिर हमारी हेल्थ हो राइट right? कि ठीक है ना यार इट्स ओके okay. ठीक है ना यार इट्स ओके फॉर ग्रांटेड हम चीज़ों को लेते हैं बट दैट इज़ अगेन फॉल्स थिंग हमें कभी भी चीज़ों को फॉर ग्रेंटर नहीं लेना चाहिए ऑलवेज स्पेयर टाइम टू शो ग्रेटिट्यूड बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं हम आज जो भी हैं आप कह सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हैं जिनके समअप की वजह से हम हैं इट कैन बी योर पेरेंट्स इट कैन बी योर फैमिली एनी मेम्बर ऑफ योर फैमिली गॉड डेफिनेटली आपका स्परिचुअल एस्पेक्ट या फिर आपका इनर सेंस या इनर पॉजिटिविटी योर फ्रेंड्स योर रिलेटिव्स एनी वन इट कैन बी एनी वन एंड मल्टीपल नंबर में हो सकता है बट कितना टाइम हम लोग स्पेयर करते हैं वो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए टाइम तो निकल जाता है बट जिसने आप में वो पॉजिटिविटी दी जिस भी एक्स वाई जेड पर्सन ने आपको एक पुश दिया एक मोटिवेशन दिया आप कितना ग्रेटिट्यूड रखते हो उसके लिए क्या हम टाइम स्पेयर करते हैं टू शो ग्रैटिट्यूड सोचना चाहिए डेफिनेटली सोचना चाहिए एंड फोर ग्रैंडेड चीज़ों को नहीं लेना चाहिए ये सबसे पहला लेसन था जो 2020 ने मुझे सिखाया एंड डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन इट आई एम वर्किंग ऑन इट क्योंकि देखिए लाइफ सबकी बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहती कहीं ना कहीं आप देखते हैं कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते हैं कुछ ना कुछ बातें रहती हैं जिस पर हमें काफ़ी कुछ जो है ध्यान देना चाहिए हम नहीं देते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट देना चाहिए तो ये सबसे पहला लेसन था जो मैंने पेंडाउन किया कि येस इट वॉज लाइक दस कि चीज़ें थोड़ा सा ग्रैंडड होने लगती हैं चाहे वो आपकी हेल्थ हो या पर्सनल लाइफ हो या फिर आप जॉब को लेकर बात करें हाउेर आई एम वेरी आई एम वेरी सीरियस टूवर्ड्स माई वर्क बट स्टिल येस सो मैनी थिंग्स वर देर दर येस एक्चुअली इट वॉज़ देर वेल दिस वॉज द फर्स्ट लेसन अगर मैं सेकेंड लेसन की बात करूँ ट्वेंटी ट्वेंटी में इट वॉज़ लाइक कि ठीक है वी आर लाइक एट होम ओनली बट काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं जस्ट लाइक like अभी साल शुरू हुआ है तो आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे राइट एंड कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम ऐसा करेंगे दिस इज द टाइम वी विल क्रैक दिस एग्जाम एंड ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता टाइम इज एवरीथिंग टाइम इज एवरीथिंग रियली अगर आज के डेट में मनी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है मनी से भी मनी इज लाइक कि आप वापस से अर्न कर सकते हो बट समय एक गुजरा हुआ जो समय होता है वो कभी वापस नहीं आता एंड हम सभी प्लान्स बनाते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी लाइक दिस हम ये करेंगे हम वो करेंगे ऐसा होगा लाइफ में वैसा होगा बट डेफिनेटली हमेशा वी शुड वी ऑलवेज वी शुड ऑलवेज हैव एन प्लान बी हमेशा हम सबके पास अपने ए प्लान के साथ साथ प्लान बी एंड हो सके तो प्लान सी भी होना चाहिए बिकॉज कंडीशंस कहती कैसी रहती हैं परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं नो वन न्यूज़ अबाउट दैट राइट सो अगर प्लान बी हमारे पास रहता है तो हम उस सेकेंड वे में मूव कर सकते हैं अगर एक प्लान फेल होता है तो वी कैन एग्जीक्यूट विद अदर प्लान तो दिस वॉज द सेकेंड लेसन जो मैंने लाइक like सीखा 2020 में कि एक सिंगल यूनी डायरेक्शनल पाथवे को फॉलो करने के साथ साथ ऑलवेज वी शुड हैव अ प्लान बी इन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन मुझे लगा कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप सीरियसली चाहते हैं एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स योर लाइक गोल्स मेन गोल्स एनी थिंग वी शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ सेविंग्स आर इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली लाइफ साइंस में हम पढ़ते हैं काफ़ी सारी चीज़ें अगर हम स्पेसिफिकली इकोलॉजी की तरफ जाएं फूड रिसोर्सेज स्पेस शेल्टर वेरी इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली लाइफ में सर्वाइव करना है तो ज़रूरी है एटलीस्ट अगर आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हैं लाइक इफ यू आर एंगेज इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज सेविंग्स आर इम्पॉर्टेंट वी शुड ऑलवेज हैव अ डेडिकेटेड अ सिनारी और यू कैन से डेडिकेटेड एम होना चाहिए हमारे पास कि दिस इज़ वॉट आर सेविंग इज सो दैट अगर कुछ भी मुश्किल कंडीशन है एनी थिंग कुछ भी जैसे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई बहुत सारे मल्टीपल लोगों की जॉब्स नहीं रही एंड बहुत सारी चीज़ें तो अल्टीमेटली इट्स इट्स नॉट लाइक कि आज आपने जितना अर्न किया है या जितना भी आपके पास है चाहे वो कितने भी अमाउंट में ऑलवेज उसका एक चंक इसका एक पार्ट वी शुड सेव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नेवर नो कब ज़रूरत पड़ जाए राइट right? तो सेविंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू अगर हम आज की लाइफ के बारे में बात करें जिस हिसाब से चीज़ों की नीड है या फिर चीज़ें जिस हिसाब से एक्सपेंसिव हैं वी शुड ऑलवेज ऑलवेज सेव आ मनी एक पार्ट टोटल डेडिकेटेड पार्ट वी नीड टू सेव दैट इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा 2020 में एंड आई 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 डेफिनेटली थिंक कि ये चीज़ जो है वो आगे अप्लाई होनी चाहिए फॉर अपकमिंग ईयर्स टू नेक्स्ट लेसन की अगर मैं बात करूँ सेल्फ वैल्यू इज मस्ट बी एन अपॉर्चुनिटी सीकर काफी लोगों को बहुत शिकायतें थी घर बैठे रहने से बहुत सारे लोगों को बहुत लाइक like इश्यूज थे कि क्यों हम घर में बंद कर रह गए हैं बट उस टाइम ने काफ़ी कुछ हमें सिखाया 2020 ने बहुत कुछ हमें सिखाया सेल्फ वैल्यू आप जो आज हो जिस मेहनत की वजह से या जिस जिस भी चीज़ की वजह से अपनी कद्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं ना आप अपनी कदर नहीं करोगे तो आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो आपको कैसे ट्रीट करे एंड ऑल्टरनेटिवली दूसरा कोई कदर करे या ना करे यू शुड वैल्यू योर सेल्फ एंड यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम ऑन योर सेल्फ अपने साथ समय गुजारना अपने लिए समय गुजारना अपनी खुशियों के लिए समय गुजारना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट एंड डेफिनेटली अगर हम बात करें तो ऑलवेज वी यूज़ टू अ लॉट ऐसा नहीं है वैसा नहीं है एंड ऑल दैट बट कभी भी हम आ, मुश्किल अगर टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज देर तो हमारा जो एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी सीकर का होना चाहिए राइट right? ऐसा नहीं कि वी ऑलवेज़ आर लाइक कंप्लेनिंग ऑलवेज वी शुड फाइंड एन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली एंड सेल्फ वेल्यू इज मस्ट अब चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो वी नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन आर सेल्फ दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एक्चुअली हम लोग पढ़ते भी थे ना स्कूल में लाइक uh, असम्बली like, से पहले या प्रेयर से पहले कुछ पॉजिटिव थाट्स बोले जाते थे जिसमें एक बहुत वेल नोन थाट रहता था हेल्थ इज वेल्थ हेल्थ इज वेल्थ हेल्थ इज वेल्थ तो बड़ा अच्छा लगता था सुनने में बड़ा याद भी रहता है काफ़ी लोगों को अपन बोलते भी हैं है ना कि स्वास्थ्य खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है हेल्थ uh, ही है जो सब कुछ है अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है आप कितना ही ऊपर चले जाओ डजेंट मैटर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो दैट दैट इज़ लाइक बिल्कुल एकदम सही एकदम सही चीज़ है सेल्फ वैल्यू इज अगेन वेरी मस्ट तो वी शुड इन्वेस्ट टाइम

सर चार्ल्स डाविन की बात हम करें लाइफ साइंस में इकोलॉजी में इवोल्यूशन में तो डेफिनेटली जो बेटर अडेप्ट करता है वो बेटर सर्वाइव करता है राइट right? तो कंडीशंस जैसे भी हो उनके प्रति जो बेटर तरीके से अडेप्ट हो जाएगा खुद को अडाप्ट कर लेगा कैसी भी परिस्थितियों में सर्वाइव कर जाएगा वो अल्टीमेट हीरो है अडेप्टेशन इज द अल्टीमेट नीड राइट तो दैट इज़ अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा वी नीड टू अडेप्ट वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली है ना कि अपने लाइफ में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी हमें रखनी पड़ेंगी रेदर देन हमेशा हम इमोशनल लिंक के साथ चीज़ों को जोड़ रहे हैं जैसी चीज़ें हैं जो चल रही बिकॉज टाइम इज वॉट एक चाहे कितना uh, गरीब इंसान है एक चाहे कितना ही अमीर इंसान है टाइम सबके पास बराबर है कोई कुछ भी जीत सकता है लेकिन समय को नहीं जीत सकता तो जिस हिसाब से समय है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करें एंड उसमें से बेस्ट टू बेस्ट जो है वो निकालें ये भी अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन अगर मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को समअप करके बोलूं तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ से लेसन जो है वो मुझे लगता है ट्वेंटी ट्वेंटी में रहा एंड मेरे अकेले के लिए नहीं आई आई होप सो सब के लिए जो है ये चीज़ कॉमन रही होगी बिकॉज हम सब ने एक सेम uh, ही तरीके का टाइम जो है वो 2020 में 2020 में निकाला है सो so एवरी ये कुछ पांच बातें एंड uh, बहुत सारी और भी बातें एक्चुअली बट ये एक कुछ समप था जो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहती थी जो मैंने सीखा है मैं डेफिनेटली उसको आगे अप्लाई करूँगी इस साल में भी आने वाले साल में भी बिकॉज इट्स लाइक कि लेसन्स हमें मिलते हैं तो हमें सीखना चाहिए राइट एंड मोर ओवर हमेशा सीखने के लिए गलती करना ज़रूरी नहीं है अगर कोई और गलती कर रहा है तो उससे भी हम सीख सकते हैं इतनी लंबी जिंदगी नहीं है कि हम गलतियाँ करते रहेंगे एंड सीखते रहेंगे दूसरों की मिस्टेक से भी हम सीख सकते हैं उस सीख से भी उस सीख को भी अपना कर हम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके क्या रहे कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन जो आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहें प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आई विल आई विल बी डेफिनेटली रीडिंग ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स विश यू ऑल अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपका ये साल बहुत ब्राइट रहे बहुत ब्यूटिफुल रहे जो भी आपकी उम्मीदें हैं आपकी पेरेंट्स की आपसे उम्मीदें हैं वो सब आप पूरी करें एंड डेफिनेटली आई विल भी देवर फॉर यू ऑलवेज एंड ऑलवेज थैंक यू सो मच मिलते हैं जल्दी कुछ नए सेशंस के साथ विश यू ऑल अगेन अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन थैंक यू